मेरी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? पता नहीं कहाँ रख दिया ये ब्रेसलेट। तेरे हाथ का ब्रेसलेट कहाँ गया? कौन सा ब्रेसलेट? जो तूने कल गार्डन में फेंक दिया था। ये बहन जी तो 2 साल पुराना टूथब्रश भी संभाल कर रखती है, तो ब्रेसलेट फेंका तो नहीं होगा, जरूर यहीं पे होगा। I knew it. ढूंढना ही था तो फिर फेंका क्यों? ऐसा क्या है इस ब्रेसलेट में? और किसने दिया है तुझे? बता कू, वरना मैं वर्षा आंटी को बता दूं। वो ये क्लास मॉनिटर वाली हरकत करना बंद करेगी। जब देखो तब वर्षा आंटी को बता दूंगी, वर्षा आंटी को बता दूंगी। # शिकायती टट्टू। तू जब तक मुझे नहीं बताएगी तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। बता। एग्जीबिशन की आग से बहुत नुकसान हुआ है, जो पैसे आने थे नहीं आए। उड़ीसा के एनजीओ के बच्चे गुजरात पहुंच चुके हैं और कैंप साइट भी अभी तक रेडी नहीं। और भैया स्कूल की हालत तो और भी खराब है। ठीक है, मैं वहां जाके सब कुछ संभाल लूंगा। पर भैया बच्चों की सारी डिटेल्स मिष्टी के पास है, उड़ीसा वाली एनजीओ से वही बात कर रही थी। मिष्टी हमारे काम के लिए कहीं नहीं जाएगी। वो जाएगी। आप लोग निकलने की तैयारी करो। कितने बजे की बस है? 6 बजे की। मिस्टी की फिक्र मत करना, अबीर कहेगा तो जरूर आएगी। नानू, ये आपने कैसा प्रॉमिस कर दिया? आपको पता नहीं है कि मिस्टी? जानता हूँ कि मिस्टी बहुत परेशान है, जानता हूँ कि वो तुझसे दूर रहना चाहती है, और ये भी जानता हूँ कि वो आएगी। पर नानू, अबीर तू कोशिश तो कर, वो आएगी। कहूँ मैं तुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ कि ब्रेसलेट किसने दिया है, और तेरी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो तू सबसे छुपा रही है? हाँ छुपा रही हूँ मैं सबसे, और खासकर तुझसे। #stayaway। ठीक है, जा रही हूँ। मिष्टी, मिष्टी मेरी ब्रेसलेट दे। ब्रेसलेट दे? बता, जल्दी बता वरना मैं आंटी को बता दूँ। बता। दे वरना तेरे सारे बुक्स फाड़ दूँगी। अगर आंटी को पता चल गया ना तो सारे घर को पता चल जाएगा, जल्दी बता। अब बता, मैं आंटी को बता दूँगी, जल्दी बता। मिष्टी अग्रवाल। ए अभी तुम कहाँ जा रहे हो? माँ स्कूल की कंस्ट्रक्शन रुक गई, मुझे जाना ही पड़ेगा। आप ये छोटे छोटे कामों के लिए खुद क्यों जाते हैं? आई मीन हमारे पास पैसे हैं। तेरे पास बैंक बैलेंस है, तेरे पास प्रॉपर्टी है, तेरे पास क्या? मेरे पास मीनू है और मीनू का मुन्ना है। अच्छे काम के लिए जा रहा है, भगवान ने चाहा तो उन बच्चों को नया घर और स्कूल जरूर मिलेगा। तेरे पास मीनू की जिद है, तेरे पास नानको का डिसिप्लिन है, तेरे पास मेरी एनर्जी है, और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद है। आए। बस बस नानू, सब कुछ तो दे दिया आपने भाई को, कुछ बचा ही नहीं। सच में भाई अब भगवान से और कुछ मांग ही नहीं सकते। एक चीज है जो मैं मांगना चाहता हूँ, लेटर में मिस्टर अग्रवाल को ही दूंगा। मैं उसकी सिस्टर हूँ, मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है? क्या है इस लेटर में? किसका लेटर है? तू जरूर कुछ छुपा रही है। छुपाऊंगी कैसे, अब तक तो रिसीव भी नहीं किया है। रिसीव क्यों नहीं किया? जरूर इसमें कुछ है, बता क्या है। अरे अरे क्या शोर मचा रखा है, लेटर दीजिए प्लीज। अबीर ने लेटर भेजा है, कहीं तुझे नौकरी से निकाल तो नहीं दिया? मिष्टी अग्रवाल, जैसा कि आप जानती हैं, एग्जीबिशन में आग की दुर्घटना के कारण स्कूल प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई है। उड़ीसा से बच्चे पहुंच चुके हैं और अब तक स्कूल और कैंप तैयार नहीं हुए हैं। आप उस प्रोजेक्ट को हेड कर रही थी, उड़ीसा के एनजीओ से कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो अगर आप कैंप साइट पर आएंगी तो बच्चे और प्रोजेक्ट दोनों की मदद हो जाएगी। एनजीओ टीम आज शाम 6 बजे राजकोट बस स्टैंड से चंपारण के लिए निकल रही है। थैंक यू अबीर राजवंश।
तू जाएगी? मिष्टी देख, बच्चों की बात है, तुझे जाना ही चाहिए। हाँ, इसने रिश्ता तोड़ा तो मेरी जॉब चली गई, पर इसके क्यों नहीं गई? कुहू, ये ना काम करती है, तेरी तरह मस्ती कौन नहीं। मिष्टी कहीं नहीं जाएगी, उसको जो करना है वो खुद कर लेगा। नानू, बाय ब्रो। ए, जवाब आया? वो आएगी। पर तुझसे कांटेक्ट कैसे करेगी? तेरे पास तो फोन भी नहीं। अरे आजकल जिसके पास व्हाट्सएप नहीं, उसकी लव स्टोरी बनती ही नहीं। कबूतर उड़ाने का जमाना तो गया अभी। नानू वो तेरी गाड़ी तो न्यूट्रल में भी नहीं, बैक गियर में है। अरे प्यार या तो डरना क्या, अरे हिम्मत रख अबीर, हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख। रिलैक्स नानू, आपका बीपी बढ़ जाएगा यार, आराम से। एक्चुअली आप अपने शुभ हाथों से एक बार चाटा लगाओ। शुभ हाथों से यार नानू, क्या करना चाहते हो? शुभ हाथों बैठिए, बैठ प्लीज, वो रिएक्ट मत करना। ये किसका फोन है? ये मेरा है, ताकि वो मुझसे बात कर सके। हाँ दीदी, बच्चे कोंडा नगर पहुंचेंगे और वहां से उन्हें चंपानेर लेके जाना है। पर स्कूल और कैंप साइट तो चंपानेर में है, तो बच्चे वहाँ क्यों नहीं पहुँचेंगे? हाँ, क्योंकि टिकट कोंडा नगर तक का है। तो स्कूल कोंडा नगर में है या चंपानेर में? दीदी अब कैसे समझाऊं आपको, क्या करूं? मिष्टी, आप ही क्यों नहीं आ जाती? आप आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। सॉरी दीदी, मैं नहीं आ पाऊंगी। नानू 5 बज गए, अभी तक फोन नहीं लग रहा, अब मैं क्या करूं? विश्वास कर, वो आएगी। क्या करूं? मुझे एटलीस्ट ये फाइल तो उनको दे देनी चाहिए। मेरी लाइफ में जो भी ड्रामा चल रहा है, लेकिन इसमें उन बच्चों की क्या गलती है? वो क्यों सफर करें? मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं गई और लोगों ने बातें बनाई तो घर पे सबको कितना बुरा लगेगा। क्या करूं? पर लोग तो बातें करते रहेंगे, सोचना मुझे है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, लोगों की बातें या वो बच्चे। तेरा ड्रामा खत्म हो गया हो तो मेरा ब्रेसलेट वापस कर। कहाँ गई है बहन जी? अरे कुहू, तू अभी तक ब्रेसलेट ढूंढ रही है? व्हाट, तुझे क्या लगा कि मैंने हेडफोन्स लगाया तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा? कुहू मैडम, मैंने सब सुन लिया था। कुहू देख, ब्रेसलेट को लेके ना तू पहले भी मुझसे झूठ बोल चुकी है, लेकिन आपने आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है चाची? मिस्टी के पीछे पड़ो ना, आपको पता भी है कि वो घर पे है नहीं। हैशटैग शी इज मिसिंग। क्या? हाँ, मिस्टी भी नहीं है और उसका पर्स भी नहीं है। अरे कुहू, मिस्टी कहाँ गई होगी? लेटर में क्या लिखा था? लेटर में 6 बजे तक उसे कहाँ पहुंचना था? कुहू, तेरे कहने का मतलब ये तो नहीं कि वो अभीर के पास गई है? नहीं, मिस्टी मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकती। फोन करो उसे। बस भैया यहीं पे। हेलो दीदी। हाँ मैं यहाँ बस स्टैंड पे पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं फाइल लेके आई हूँ। ठीक है, मैं आपका यहीं वेट करती हूँ। फोन नहीं उठा रही है, मतलब मिस्ट्री ऐसे किसी को बिना बताए कहाँ चली गई आखिर? आप ताई जी, आपको याद है जिस दिन मिसेस पारिक हमारे घर पर आई थी
उस रात भी मिष्टी घर पर नहीं थी और हम में से किसी को पता भी नहीं था। मुझे तो लगता है मिष्टी को ना घर से भागने की आदत लग गई है। जसवीर फोन करो शौर्य की भौजी को। जी को शौर्य की माँ आराम से। जी आपको पता है मिष्टी? हमें पता है, मिष्टी बस स्टैंड गई है, हमने ही उसे जाने के लिए कहा था। शौर्य की भौजी आपने उसे कैसे उस लड़के से? आप शांत हो जाइए शौर्य की माँ, मिष्टी अनाथ बच्चों की मदद के लिए गई है। अब हमारे झगड़े उन बच्चों से ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकते ना। नानू ने कहा था मिष्टी आएगी, मिष्टी सच में आ गई क्या? तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।